नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सबके हाल? मैं पूनम, और आज मैं आपको आइड विथ वाटर रिएक्शन पढ़ाऊंगी। आइड के साथ किसका? वाटर का रिएक्शन पढ़ाऊंगी। पिछली क्लास में हमने नेम ऑफ द एनायन पढ़ाया था और उसके कुछ कंपाउंड बना के दिखाए थे। अब चलिए इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म में हम आइड विथ वाटर का रिएक्शन देखते हैं। आइड विथ वाटर का रिएक्शन जैसे कि क्या दिखा रहा है? आइड कौन कौन से आइड क्या होते हैं? जैसे नाइट्राइड, सल्फाइड, फास्फाइड, कार्बाइड। हाँ, अब हम नाइट्राइड के देखते हैं। नाइट्राइड अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? नाइट्राइड में देखिए, एल्युमिनियम नाइट्राइड को हम H2O से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? नाइट्राइड को H2O से हम अगर रिएक्ट कराते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3 ना, देखिए। और अगर हम सोडियम नाइट्राइड को H2O से रिएक्ट कराते हैं तो NaOH प्लस NH3। इट मीन्स अगर हम नाइट्राइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? NH3। क्या मिलेगा? NH3। नाइट्राइड गिव NH3 विद वाटर। अब देखते हैं सेकेंड क्या है। सल्फाइड, सल्फाइड गिव विथ वाटर। अब सल्फाइड को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? अगर कैल्शियम सल्फाइड को H2O से रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2S ना, देखिए। और सोडियम सल्फाइड को H2O से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? NaOH प्लस H2O। मीन्स आल सल्फाइड को, अगर हमें कोई भी सल्फाइड हो, सल्फाइड उसको H2O से रिएक्ट कराएंगे तो हमें H2S मिलेगा। क्या मिलेगा? H2S। सल्फाइड गिव H2S विथ वाटर। सल्फाइड हमें क्या देगा? H2S देगा विथ वाटर के साथ। अब देखिए क्या है फॉस्फाइड। फॉस्फाइड को अगर हम H2O से रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? फॉस्फाइड को अगर हम H2O से रिएक्ट कराते हैं तो हमें, देखिए, फॉस्फाइड मैग्नीशियम फॉस्फाइड है तो MgOH प्लस प्लस मिलेगा हमें PH3। क्या मिलेगा? PH3 मिलेगा। तो फॉस्फाइड गिव PH3 विथ वाटर। क्या फॉस्फाइड की PH3 विथ वाटर। अब हम देखते हैं कार्बाइड का। कार्बाइड का अगर हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? बेरियम कार्बाइड है ना? क्या है? बेरियम कार्बाइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH4। हाँ, एल्युमिनियम कार्बाइड, तो एल्युमिनियम क्या? हाइड्रोक्साइड प्लस CH4। कैल्शियम कार्बाइड है तो क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या मिलेगा? ये CH, यहाँ क्या बचा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये। अब लास्ट वन क्या बचा है? मैग्नीशियम कार्बाइड। मैग्नीशियम कार्बाइड को H2O से रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस, यहाँ क्या बचा है? CH है ना, CH, फिर CH3 ना। तो हमें कार्बाइड को अगर हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इधर मीथेन मिल रहा है, इधर इथिन लीन मिल रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कार्बाइड गिव डिफरेंट प्रोडक्ट। कार्बाइड गिव डिफरेंट प्रोडक्ट विथ वाटर। हाँ, कार्बाइड हमें डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है। नाइट्राइड NH3 दे रहा है, NH3 दे रहा है वाटर से रिएक्ट करके। सल्फाइड
H2S दे रहा है, फॉस्फाइड PH3 दे रहा है, और कार्बाइड अलग अलग दे रहा है, मीथेन दे रहा है, और इधर CH111 CH दे रहा है। तो इससे क्लियर हुआ कि फॉस्फाइड का अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हमें कार्बाइड नाइट्राइड में तो NH3 मिलेगा, सल्फाइड में H2S, फॉस्फाइड में PH3 और कार्बाइड में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे। आप इसको याद कर लो क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये ITJM PMT में बहुत पूछे गए हैं रिएक्शंस, और इसको याद कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपको, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म का, वो आप ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।